नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि सीडीएस 2023 के पेपर के अंदर आई हुई है। और पेपर के अंदर भी आई हुई वो ईडियम्स फ्रेज के बारे में बात करेंगे जो वाइब्रेंट की बुकलेट में एज इट इज़ हैं, यानी वाइब्रेंट की बुकलेट में जो फ्रेज हैं उन्हीं फ्रेज के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कि जैसे सीडीएस के पेपर में 10 ईडियम फ्रेज आती है, ये आपको पता है, उसमें से एज इट इज़ आपको कितनी मिलती है वो अभी अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसका प्रूफ भी आपको पेज नंबर सहित, क्वेश्चन नंबर सहित मिलने वाला है। तो अभी देखते हैं पहली ईडियम फ्रेज कौन सी है। पहली ईडियम फ्रेज है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर बुक की फोटो दे रखी है, पेज नंबर 128 पे, एक्सरसाइज नंबर में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। ये एज इट इज ईडियम फ्रेज दे रखी है, इसमें हैव एन एक्स टू ग्राइंड के अंदर ऑप्शन है टू हैव ए सेल्फिश एम और मोटिव, ए थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, एन इसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, टू बिहेव एरोगेंटली। तो इसके अंदर आंसर कौन सा होगा, फटाफट आप आंसर लगा सकते हैं। जैसा कि आपने देख भी रखा होगा सीडीएस के पेपर के अंदर, कि अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसी के अंदर ये ईडियम फ्रेज में पहली ईडियम फ्रेज है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब आप इसमें अगर मीनिंग देखें तो एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स का मतलब खुलाड़ी होगा, ग्राइंड का मतलब धार लगाना, ठीक है ना। तो अपनी खुलाड़ी को धार लगाना यानी अपने स्वार्थ के काम करना, सेल्फिश मोटिव का कोई काम करना। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा होगा यहां पर, टू हैव ए सेल्फिश एम और मोटिव होगा, अपनी खुलाड़ी को ही धार लगाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन पहला इसके अंदर आंसर होगा। और ये इस बुक में पेज नंबर 128 पे एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाइट द बुलेट टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन ए वेरी कीन वे, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, यहां पे यू है। तो ये आपका वर्ड पावर की जो वाइब्रेंट की बुक है उसमें पेज नंबर 106 पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर 664 नंबर ईडियम एंड फ्रेजेस डायरेक्ट पूछी हुई है। तो इसमें आप आंसर दे फटाफट, आंसर कौन सा होगा। हाँ, बाइट का मतलब क्या होगा दोस्तों, चबाना, और बुलेट का मतलब क्या होगा। देखो इससे रिलेटेड फ्रेज तो और भी आती है, अगर इसमें यह आ जाए बाइट, बाइट द डस्ट आ जाए, धूल चटा देना, तो इसका मीनिंग तो सीधा आप कर सकते हैं फेल। लेकिन बाइट द बुलेट का मतलब क्या होगा, कि जो भी यानी आप गोली खाने के लिए तैयार है एक तरह से ऐसे माने। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, यानी आप किसी भी जो भी चीज अच्छी नहीं लगने वाली है या कठिन है उसको सामने से स्वीकार करना। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, लाफिंग स्टॉक, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, ए जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। तो ये ईडियम फ्रेज वर्ड पावर की बुक में से ही पेज नंबर 147 पे एक्सरसाइज नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फटाफट आंसर दें आप। लाफिंग स्टॉक का आप अगर हिंदी में मीनिंग देखेंगे दोस्तों, तो इसका मीनिंग आपको मिलेगा कि हास्यास्पद होना, यानी ऐसा हंसी का पात्र आप बोल सकते हैं, कि ऐसी कोई एक्टिविटी करे, अजीब टाइप की हरकत करे और जिस पर
आपका लोग मजाक उड़ाएं, उसको बोलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आपको पहला दे रखा है समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड या रेडिकुलस और एंड इज मेड फन ऑफ, जिसका मजाक उड़ाया जाए, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? एक नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर और अगर वर्ड की बात करें तो कंफ्लिक्ट का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होगा, और सीक्रेटली का मतलब यानी गुप्त रूप से हो जाएगा, जोवियल का मतलब आप आनंदित कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड आपको पता होगा। फिर है पे ओवर द ऑड्स टू गेट डिविडेंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, टू ट्रीट समवन इन द बैड वे, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ। तो इसमें आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दें। पे ओवर द ओड्स का मतलब, पे का मतलब पे करना, और ओवर किसी चीज के ऊपर, और ओड्स का मतलब होता है विचित्र, यानी कोई चीज विचित्र है उसके बाद में भी उसका उसके लिए आपको पे करना। तो इसमें आंसर क्या होगा कि पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ, कि आप किसी चीज के लिए ज्यादा पेमेंट दे देते हैं जितनी उसकी वर्थ नहीं होती, जितनी उसकी वैल्यू नहीं होती, जितनी उसकी कीमत नहीं होती। क्लियर है? और ऐसा कोई वर्ड जो इसमें, जैसे डिविडेंड्स आया, डिविडेंड्स को बोलते हैं किसी कंपनी के लाभ का अंश, जिसको लाभांश बोला जाता है, वो डिविडेंड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, और ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें। फिर है प्ले टू द गैलरी, टू डू समथिंग अलोन, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, टू बिहेव इन ए वेरी अनोइंग वे, टू टेक बिग रिस्क इन बिजनेस। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं वर्ड पावर की बुक के अंदर ही, यानी वाइब्रेंट की जो बुकलेट है वोकैबुलरी की, उसमें पेज नंबर 120 पे एक्सरसाइज नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है ना? तो इसके अंदर आंसर क्या होगा वो आंसर दें आप। ऐसे याद रख सकते हैं, प्ले का मतलब खेलना, गैलरी का मतलब गैलरी में खेलना, यानी आप किसी को अपने बारे में दिखावा करना, ऐसी कोई बात कहना जिससे लोग आपकी प्रशंसा करें। यानी जैसे ये मान लो कि आपका घर गली के कोने पर है, ऐसे मान लो कि गली है, इसके कोने पर इधर गली है, इधर गली है, तो यहां गैलरी है, उस गैलरी में आप खेल रहे हैं ताकि आस पड़ोस वाले लोग वहां से जाएं तो आपको देखकर आपकी प्रशंसा करें। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा बैठेगा यहां पर वो देख लें। टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, तो ऑप्शन आप क्या कर देंगे? बी ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। बी इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल। ये आपका वर्ड पावर की बुक से पेज नंबर 154 पे एक्सरसाइज 9th के अंदर 75 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इन द सूप। अब इस रिलेटेड फ्रेज अगर आपको और देखनी है, इसकी सिमिलर फ्रेज, तो आप कर सकते हैं इन पजल, कर सकते हैं इन पजल, इन प्रप्लेक्स या इन डोल्ड्रम या इन एम्ब्रोगिलियो, इन डिलेमा, ये भी कर सकते हैं आप, इन डिलेमा या इन एम्ब्रोगिलियो या बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ये सिमिलर फ्रेज हैं जिनका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होना, परेशानी में होना, कठिनाई में होना या प्रॉब्लम में होना। तो टू बी इन ट्रबल आप कर सकते हैं इसका मीनिंग। क्लियर है दोस्तों? सीडीएस 2023 के पेपर में बहुत ही इजी आसान पेपर आया है, और ईडियम फ्रेज काफी इजी पूछी गई है, और वो अपनी सारी बुकलेट के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए टर्न ऑफ द स्क्रू, टू बिगिन टू बिहेव इन ए मोर पॉजिटिव वे, टू
चेंज पीपल्स ओपिनियन इन योर फेवर टू बिकम अनपॉपुलर एन एक्शन विच मेक्स ए बैड सिचुएशन वर्स। तो इसमें आंसर क्या होगा, और ये आप बोलचाल के अंदर ये फ्रेज यूज करते हैं, इतनी इजी फ्रेज है कि आप डेली लाइफ के अंदर बोलचाल के अंदर भी यूज करते हैं कि किसी के स्क्रू टाइट करना, इसका मतलब टर्न का मतलब घुमाना और स्क्रू घुमाना। तो इससे आप को आइडिया तो हो गया होगा, आप आंसर फटाफट दे सकते हैं कि किसी भी चीज की कोई कंडीशन खराब है उसको और ज्यादा खराब करना। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, एन एक्शन विच मेक्स ए बैड सिचुएशन वर्स, ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए व्हाइट एलिफेंट है, ये अपनी वर्ड पावर की बुक से आप देख सकते हैं, वर्ड पावर की बुक के अंदर पेज नंबर 159 पे एक्सरसाइज 10th के अंदर 86 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, और ये आपको कलर्ड फ्रेज के अंदर भी शायद दूसरी या तीसरी नंबर की फ्रेज है, अगर क्वेश्चन वाइज नहीं देखें थ्योरी वाइज देखें तो वहां पर भी ये फ्रेज दे रखी है, 2-3 जगह ये फ्रेज दे रखी है उस इसी बुक के अंदर। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, पहली बात तो कलर फ्रेज है, व्हाइट कलर का मतलब आपको पता है कि सफेद होता है, और एलिफेंट का मतलब हाथी होता है। तो पहली बात तो हाथी, सफेद हाथी बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं, जो चीज कम संख्या में होती है और वो महंगी जरूर होती है। तो इसका मतलब ऐसी कोई वस्तु जो कोई काम की नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, या ऐसी कोई वस्तु जो बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन कोई काम की नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, यहां पर ऐसा ऑप्शन आप बताएं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख गया होगा, समथिंग दैट हैज कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पज, या आप ऐसा बोल सकते हैं एक्सपेंसिव बट फ्यूटाइल बोल सकते हैं आप, या ऐसी कोई वस्तु जिसकी महंगी है लेकिन कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, ए हॉट पोटेटो, समवन हु इज वेरी एंग्री, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, समवन हु इज होलियर देन अपीयर्स टू बी अनेबल टू डिसाइड। तो इसमें आंसर क्या होगा, हॉट पोटेटो आपकी ये दे रखा है कि पेज नंबर 95 पे इडियम फ्रेज के अंदर 167 नंबर की इडियम फ्रेज है, मैच कर सकते हैं आप बुक के अंदर ऐसे, यानी प्रैक्टिकल देखें, यहां पर ये हॉट दे रखा है और ये पोटेटो दे रखा है, पोटेटो का मतलब क्या होगा आलू और हॉट का मतलब गरम। अब ये आपको पता है कि गरम आलू के अंदर लेटेंट हीट जमा रहती है, गुप्त उष्मा जमा रहती है, अचानक से अगर आप खाते हैं तो न तो उसको थूक सकते न अंदर खा सकते, इसका मतलब एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन के अंदर आकर आप फंस जाते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू, ऐसी कोई चीज जिसके साथ आपको डील करने के अंदर क्या हो मुश्किल हो, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, ऐसी कोई चीज जिसके साथ आपको डील करने में दुविधा होती हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, एप्पल एंड ऑरेंजेस, पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, पीपल हु आर्ग्यू ए लॉट, पीपल हु आर डिफरेंट एंड पीपल हु आर डिफरेंट एंड क्या दे रखा है इसमें, थस इनकम्पेरेबल, और चौथा ऑप्शन है पीपल हु फाइट ओवर माइनर इश्यूज। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा आएगा, यह आपकी वर्ड पावर की बुक पेज नंबर 108 पे इडियम फ्रेज में 752 नंबर पे दे रखी है, यह भी मैच कर सकते हैं आप। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, एप्पल और ऑरेंजेस का मतलब आप यह भी कर सकते हैं कि एप्पल सेव है
ऑरेंज संतरे हैं, दोनों अलग अलग चीज है, दो यानी दो फ्रूट्स के टाइप बता रखे हैं जो अलग अलग हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, पीपल हु आर डिफरेंट एंड थस इनकम्पेरेबल, यानी ऐसे कोई लोग जो दोनों अलग अलग हैं, इनके अंदर आपस में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एप्पल एंड ऑरेंजेज हो जाएगा। तो दोस्तों अब ऐसे ही आपके सेशन रोज मिलने वाले हैं, तो आप डेली लाइव आए और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।